रोजा था वो जो हवलदार था ना उसका थोड़ा अच्छा कैरेक्टर था, बहुत अच्छा था, अमेजिंग था। मतलब जो है जितने में उतना ही खुश रहना चाहिए। वो घर के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वो दिखाया है। पहले एक पिक्चर आई थी घरौंदा, बहुत साल पहले। लेना है घर, लेना है, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन बिना परिवार के घर का कोई मतलब नहीं है, वो सेंस बताया इसी। दिस सारा एंड दिस विकी कौशल, सो इज लव टू सी देम बोथ एंड दे पेयर टुगेदर आल्सो वेरी नाइस मूवीज। जरा हट के जरा बच्चे, ठीक थे, ठीक थे, अच्छा था। क्या बेस्ट क्या फिल्म में देखने लायक? बेस्ट लाइक उन लोग का रोमांस टाइप, और बोले तो उनकी नोक जोक कॉमेडी वगैरह कैसे? कॉमेडी। अच्छा, सब लोगों का काम वगैरह फिल्म में कैसा है? अच्छा है, अच्छा है। हाँ, वो ज्यादा वो जो हवलदार था ना उसका थोड़ा अच्छा कैरेक्टर था। ओके, भगवान दास एज इनामुल्ला हक, उनका काम वगैरह कैसा? अच्छा था फिल्म, अच्छा लगा मुझे। बस पैसा वसूल बोल सकते? हाँ, मतलब रेटिंग 8 दे सकते। 5 में से कितने साल? 5 में से 4 रेटिंग दे सकते। कुशल का काम वगैरह फिल्म में कैसा है? बहुत अच्छा, दोनों की नोक केमिस्ट्री अच्छी थी, केमिस्ट्री। परफॉर्मेंस वाइज कैसा, क्या बोलना चाहिए? 3। कॉमेडी वाइज एंटरटेनिंग, 5 out of 5। ओके, इसके अलावा जो प्लॉट वगैरह उन्होंने इस्तेमाल किया, जो फैमिली को दर्शाया, वो क्या? बहुत अच्छा था, अमेजिंग था। मतलब जो है जितने में उतना ही खुश रहना चाहिए। ओके, ज़्यादा की उम्मीद मत करो, जितने में उतना खुश रहो। चलो ठीक है, लोगों को कैसे दरखास्त करेंगे फिल्म देखने के लिए? प्लीज़ एंजॉय योर मूवी, देखो, अच्छी है बहुत। व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? 4 मूवी है, कॉमेडी भी है, ट्रेजेडी भी है, अच्छी मूवी है। मनोरंजन के हिसाब से देखिए तो कितना मनोरंजक फिल्म लगी? मनोरंजन के हिसाब से अच्छी है, वन टाइम वॉच। सब लोगों का काम वगैरह फिल्म में कैसा दर्शाया? अच्छा काम है दोनों का। ओके, सब लोगों की फैमिली जो ट्रेजेडीज वगैरह दिखाई, मिडिल क्लास फैमिली को दर्शाती है, उनके सारे चोरी को दर्शाती है, क्या क्या सीख? एक्चुअली वो घर के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वो दिखाया है। पहले एक पिक्चर आई थी घरौंदा, बहुत साल पहले। ओके, उस टाइप की है। ओके, अच्छा मेरे को बताइए इस फिल्म में डिवोर्स होता क्या है? नकली डिवोर्स होता है। हाँ, क्यों होता है? वो एक घर के चक्कर में। अच्छा, सब लोगों का काम वगैरह जिस तरीके से अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब सारा अली खान एंड विकी कौशल कैसे लग रहे हैं? दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। क्या कि लोगों को फिल्म पसंद आएगी? हाँ, अच्छा पसंद आएगा। अगर 5 में से स्कोर पूछूं तो कितने देंगे? 5 में से स्कोर पूछेगा तो 3 दूंगा मैं। 5 में से 3? जरा हटके पिक्चर भी जरा हटके ही है। ओके, और बच के तो कुछ नहीं है। बच के इसमें एक सीख मिलती है कि हम लोग घर के पीछे पागल होते हैं, फ्लैट लेना है, घर लेना है, जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन बिना परिवार के घर का कोई मतलब नहीं है, वो सेंस बताया इसी कि घर होगा, परिवार होगा तो घर होगा, परिवार ही नहीं होगा तो घर का क्या करो। आप कितना सहमत हैं इस बात से? नहीं, अच्छी तरह सहमत है। पहला अपना परिवार ही होता है, उसके बाद ही घर होता है। अच्छा, बहुत पहले घरौंदा पिक्चर आई थी अमोल पालन की, थोड़ी बहुत मिलती है उससे। अच्छा, सब लोगों का काम वगैरह फिल्म में कैसा? काम बहुत अच्छा है, दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है, दोनों का रोल अच्छा है, गाने अच्छे हैं, दोनों रियल कपल लगते हैं। मिडिल क्लास इंदौर में किस तरह लोग रहते हैं वो चित्रण भी अच्छा बताया है। ओके, और बहुत अच्छा। सारा अली खान विकी कौशल का बहुत 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 रियल कपल लगते हैं। क्या लोगों को फिल्म पसंद आएगी जब वो देखें? आनी चाहिए। देखिए, हल्की फुल्की कॉमेडी है, मैंने एक तरह का पॉपकॉर्न खाते हैं ना, वैसी मजा आती है। क्या बात है। अगर ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सीन पूछूं तो कौन सा सबसे बेस्ट आपको सीन लगा फिल्म में? इन लोग के झगड़े होते हैं उसमें मजा आता है, नोक झोंक में मजा आता है। क्या बात है। अगर 5 में से स्टार पूछूं तो कितने देंगे? 5 में देखिए, अभी अभी जो ये हटके मूवी है ना, तो इसमें 4 स्टार दूंगा। लोगों को कैसे दरखास्त करेंगे? लोगों को कि जिसको मैंने नेचुरल और ये सब अच्छी लगती है उसको देखनी चाहिए। मार धाड़ डांस पिक्चर, फटाना ढिकाना कुछ नहीं है, एकदम हल्की कॉमेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इज फर्स्ट टाइम इज अ न्यू एक्सपीरियंस, मींस इज अ न्यू केमिस्ट्री ऑफ बोथ दिस सारा एंड दिस विकी कौशल, सो इज लव टू सी देम बोथ एंड दे पेयर टुगेदर आल्सो वेरी नाइस मूवीज। इट्स अ लिटिल बिट कॉमन स्टोरी अबाउट अ मैरिड लाइफ दे हैव शोन, बट इट्स अ नाइस, इट्स अ कॉमेडी टाइप मूवी, सो आई गेस पीपल विल एंजॉय। या इट्स अ कॉमेडी टाइप, सो पीपल विल एंजॉय। मुझे इसमें एक सीन अच्छा लगा, मतलब इसमें ये भी दिखाया कि वो लोग झगड़ते हैं और प्यार भी करते हैं। एंड नहीं बताऊंगी बिकॉज देन दे विल बी नो क्लाइमेक्स। वेल, या बोथ ऑफ देम हैज वर्क वेरी वेल, एंड सारा एंड विकी कौशल नो डाउट। गाना भी उसके बहुत अच्छे, लेकिन मुझे एक ही गाना बहुत अच्छा लगा,
फिर क्या चाहिए वही. द लिरिक्स इज़ वेरी नाइस. या इट्स वेरी नाइस सॉन्ग. डायरेक्शन कैसा लक्ष्मण होते सर जी का, जिसके पहले उनकी मिमी आई थी, लपा छुपी आई थी, हाँ उसके बारे में क्या? मिमी तो बहुत ही ग्रेट मूवी है, नो वर्ड्स फॉर इट. बट से वो एक्चुअली रिलीज़ नहीं हुई थी. इट्स या अगर थिएटर में होती तो बहुत ही ज़्यादा, नो डाउट. अच्छा एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखिए तो कितनी एंटरटेनिंग फिल्म बनी है और कितने लोगों को पसंद आ सकती है? अभी सबके थॉट्स अलग होते हैं. अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड एंड नाइस कॉमेडी मूवी, सो पीपल विल एंजॉय. वर्सेस फॉर आउट ऑफ 5, 4.5. एंड व्हाट दिस फिल्म इज टॉकिंग अबाउट? इट्स टॉकिंग अबाउट वही मैरिड लाइफ, न्यू जनरेशन, जो आज के दौर में हो रहा है. थैंक यू.